जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पहले से ही भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे अब्दुल्ला को लेकर रोशनी एक्ट भूमि घोटाले में बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक सुंजवान में जो फारूक अब्दुल्ला ने आलिशान बंगला बनाया है वो सरकारी भूमि पर कब्जा कर बनाया है। यही नहीं, उनकी बहन सुरैया मट्टू ने भी रोशनी एक्ट का लाभ उठाते हुए 3 कनाल 12 मरले भूमि अपने नाम की है। हद तो यह है कि इन्होंने इस एक्ट के तहत भूमि अपने नाम करने के लिए उन्हें जो सरकारी खजाने में 1 करोड़ रुपए जमा कराने थे वो भी आज तक जमा नहीं कराए गए हैं। बस यही नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू स्थित कार्यालय और श्रीनगर में स्थित नेका के ट्रस्ट का कार्यालय भी डॉक्टर अब्दुल्ला ने रोशनी एक्ट का लाभ उठाते हुए अपने नाम किया है। आपको बता दें कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने साल 2001 में जम्मू कश्मीर के गरीब किसानों का हवाला देकर इस एक्ट को लागू किया था। उन्होंने कहा कि इस एक्ट का लाभ उठाकर किसान जिन सरकारी भूमियों पर कई सालों से खेती बाड़ी कर रहे हैं वो अपने नाम करा पाएंगे। लेकिन सीबीआई द्वारा अभी तक की गई जांच में ये सामने आ रहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला समेत पीडीपी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ही नहीं, उनके साथ जुड़े बड़े बड़े व्यापारियों व्यवसायियों ने भी इस अधिनियम के नाम पर करोड़ों रुपए की संपत्ति अपने नाम कर ली है। सत्ता में रहकर राजनीतिक दल कितने बड़े बड़े घोटाले करते हैं, रोशनी एक्ट भूमि घोटाले की जाँच कर रही सीबीआई द्वारा हर दिन किए जा रहे खुलासे में जाहिर हो रहा है। हालांकि अब धीरे धीरे सीबीआई नेताओं की कुंडली खंगाल रही है और जांच की आज फारूक अब्दुल्ला पर भी पड़ती हुई दिखाई दे रही है, और अब वो दिन दूर नहीं जब फारूक अब्दुल्ला जेल में होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।